ये बचपन में जो पापा ने लाके दी थी और ये खुद की कमाई से खरीदी है, तो खुशी दोनों में ही है। ये हमको मिल जाता है बैटिंग पैड्स, इस पे भी देखो SG की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, काफी अच्छी क्वालिटी का है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका क्या यूज है। और एक मेन चीज तो रह गई, हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं जनरली व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन आज के वीडियो में मैं मेरा क्रिकेट किट दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंस्ट्रक्शंस है कि आप ये जो बैकग्राउंड है, मेरे बाल और ये सेटअप को थोड़ा इग्नोर करना, बाकी मेन फोकस आप लोग इस खजाने पर करना। तो ये खजाना जल्दी खोलने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम में से टाइम निकाल के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने लास्ट वीडियो में मेरा देखा होगा कि मेरे मम पापा का रिएक्शन जब मैं ये खरीद के लाया था, और इसकी प्राइस भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो क्रिकेट किट है वो SG कंपनी का है। ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ पे SG लिखा है। आप लोगों को मैं SG कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। SG का फुल फॉर्म है सैंस पेरियल्स ग्रीनलैंड, और ये इंडियन बेस्ड कंपनी है जो कि ये क्रिकेट किट ये सब बनाती है, क्रिकेट इक्विपमेंट सारे बनाती है। बेसिक डिटेल दे देता हूँ बस। तो ये कंपनी जो है एस्टैब्लिश हुई थी 1931 पे, और दो भाई लोगों ने स्टार्ट किया था। उनका नाम है केदारनाथ आनंद एंड द्वारकानाथ आनंद। तो उनके द्वारा ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। खजाने को अभी धीरे ओपन करते हैं और एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, पहले बैग आपको मैं पास से दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे SG लिखा है, क्लियर इमेज है, और www.teamsg.in आपको वेबसाइट भी दिख जाएगी। और यहाँ पे ये डफल बैग है, इको कॉम्बो बैग यहाँ लिखा है, ये दिख रहा होगा आपको, ऐसा कुछ बैग है। बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरी साइड पे इधर देखो believe.bcom लिखा हुआ है, और बस इतना ही है। पीछे से ये स्ट्रैप्स है दो। गाइस, ये जो खजाने का पिटारा है, मेरे पास एक और है, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ, बाद में ओपन करेंगे। तो ये देखो, इसके अंदर भी एक खजाना है, वो मैं आपको बाद में ओपन करके दिखाऊंगा। पहले बैग को ओपन करते हैं। ये यहाँ से जिप खुलेगा और बहुत ही इजीली खुलता है, ये देखो, बिल्कुल भी अटकता नहीं है, इजीली। यहाँ से पहले हम ओपन करेंगे इसको। ओपन करते ही हमको यहाँ पे पैड दिख रहे हैं। मैंने एक हफ्ता यूज़ कर लिया ये सारे किट, तो थोड़े गंदे भी हो सकते हैं। तो ये हमको मिल जाता है बैटिंग पैड्स, ये देखो भाई, ये हमको मिल जाता है बैटिंग पैड्स। यहाँ पे तीन स्ट्रैप्स हैं ऑलरेडी। यहाँ पे लगेगा एक स्ट्रैप, ये ऊपर वाला स्ट्रैप है, ये बीच वाला और ये नीचे वाला। ये आराम से बैठ जाता है, ये देखो, यहाँ पे पैर पे लगा सकते हैं। तो ये मुझे दो मिला है, ये दो हमारे हो गए बैटिंग पैड्स। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, SG की ब्रांडिंग है, आप देख सकते हो। SG आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी कंपनी है। तो बहुत ही फेमस कंपनी है SG। हमें इस किट में मिलते हैं दो बैटिंग पैड्स, इनको मैं साइड में रख देता हूँ, उसके बाद देखते क्या निकलता है। हाँ, ये है हमारे थाई पैड, एक ही थाई पैड मिलता है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बैटिंग कर रहा हूँ तो लेफ्ट वाला जो थाई आगे रहता है, तो हम इसको यहाँ थाई पे पहन सकते हैं, लेफ्ट साइड पे। ये भी SG का है, देख सकते हो पूरा। और ये स्ट्रैप्स दिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, अच्छा पैड है। सीजन बॉल से तो आपको पूरा प्रोटेक्ट करेगा। ये थाई पैड हो गया, इसके बाद मैं दिखा देता हूँ, अभी देखते क्या निकलता है दूसरा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाला है अभी, ग्लव्स, बैटिंग ग्लव्स। तो ये ग्लव्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हो। तो ये दो ग्लव्स मिल जाते हैं हमें इसमें, पहन के दिखाता हूँ मैं। पहनने में इजी है, आराम से, बस इसको ऐसे करके ऐसे चिपका देना है, ये देखो, ये भी पहन के दिखाता हूँ। ग्लव्स हो गए हमारे, इस पर भी देखो SG की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको साइड में, ये देखो, थोड़े गंदे हो रखे हैं तो वो इग्नोर करना, क्योंकि मैं कुछ दिन से खेल भी रहा था तो इसीलिए। तो बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करती है सीजन बॉल से, और हाथ पे लगता नहीं है जल्दी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। तो ये साइड में रख देता हूँ दोनों। अभी अगली चीज़ दिखाता हूँ क्या मिलता है। ये है एल्बो प्रोटेक्टर है, ये एल्बो गार्ड है, एल्बो गार्ड। तो ये एल्बो गार्ड, ये मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक, तो ये पूरा का पूरा साफ पड़ा है, क्योंकि हम लोग मतलब नॉर्मली ज़्यादा फास्ट बॉल ये सब खेलते नहीं है, नॉर्मली खेलते हैं, तो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, इतना ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये दो स्ट्रैप्स दिए इसके, और ये आप इधर एल्बो पे लगा सकते हो,
ये आपको यहाँ से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये भी एक ही है, क्वांटिटी इसका वन है। लोग जैसे बैटिंग करते हैं तो हमारा एक ही एल्बो और एक ही थाई आगे रहता है, तो उसी हाथ पे, उसी एल्बो पे और उसी थाई पे लगाने के लिए थाई गार्ड और एल्बो गार्ड एक ही मिलता है हमको। ये पूरा का पूरा नया पड़ा है क्योंकि यूज़ ही नहीं हुआ है। ये हो गया, अभी दूसरा चीज़ निकालता हूँ। हाँ, अभी शायद एकदम लास्ट चीज़ बची है, एब्डोमेन गार्ड। तो ये दिखा देता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है एब्डोमेन गार्ड। आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका क्या यूज़ है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब बाकी सब भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये और ये किट में मिलता ही है, मतलब सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ऑलमोस्ट किट में मिल जाती है। तो मैं अभी गिनवा देता हूँ कि क्या क्या मिला है मुझे किट में। मुझे मिला है ये बैग मिला है, इसमें दो बैटिंग पैड्स हैं, एक एब्डोमेन गार्ड है, एक पेयर ग्लव्स है, दो ग्लव्स है दोनों हाथों के, एक एल्बो गार्ड है और एक थाई गार्ड है। ये मिला है और इसमें बैट भी मिलता है, बैट के लिए साइड में जगह है आराम से, कंपार्टमेंट एक अलग से है बैट के लिए। तो आप और अंदर सीक्रेट कंपार्टमेंट भी है साइड में, पानी का बॉटल वगैरह रखने के लिए यहाँ पे आप बॉल्स रख सकते हैं साइड में। ये देखो यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हमने बॉल रखे हुए हैं। हम लोग ये एक बॉल से, टेनिस बॉल से खेलते हैं। ये एक बॉल हमने लिया था, सीजन बॉल, ठीक ठाक क्वालिटी है। उन्होंने बोला तो था कि 100 ओवर चल जाएगा, देखते हैं अभी 30 ओवर तो खेल चुके हैं, तो ये हालत हो चुकी है बॉल की। देखो अभी देखते हैं कितना दिन चलता है। तो इधर हम बॉल्स रखते हैं, यहाँ पे बैट मिलता है। हमने जिस शॉप से लिया उन्होंने हमें पूरा कस्टमाइज़ करने का मौका दिया, कि मतलब जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है नहीं चाहिए तो हम निकाल सकते हैं और जो ऐड ऑन कर सकते हैं कोई चीज़ें। तो जैसे बैट उसमें तो हम मिड रेंज क्वालिटी का था, हमें अच्छी क्वालिटी का बैट चाहिए था एकदम, क्योंकि फर्स्ट टाइम ले रहा था मैं, सोचा और बजट भी है तो क्यों ना एक अच्छे क्वालिटी का बैट ले लूँ मैं। अभी दिखाता हूँ, फाइनली बैट रिवील करता हूँ मैं एकदम अच्छे क्वालिटी का। आँखें बंद, चलो भाई खोलो आँखें। ये रहा भाई, मजाक कर रहा हूँ, ये जो बैट है बचपन में पापा ने ला के दिया था और ज़्यादा खेला ही नहीं मैंने, थोड़ा बहुत यहाँ से घिस गया और ये थोड़ा लो क्वालिटी का है तो इससे ज़्यादा खेला नहीं है, पर ये बैट अभी तक पड़ी हुई थी मेरे घर पर, छोटी है, दिखा देता हूँ। बैट का साइज़ छोटा है और काफ़ी हल्का भी है, तो इससे ज़्यादा देखो इसके स्ट्रोक भी देख लो, ये पूरा पतला सा है। तो बचपन में ला के दिया था और अभी तक चल रहा है, मतलब रखा हुआ है। तो अभी मैं अपने छोटे भाई को दे दूँगा, अंशु को, तो वो खेल लेगा, वो इससे खेल लेता, उठा लेता है। तो गाइज ये रहा हमारा कुकाबूरा का बैट लिया है हमने, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, कवर से भी निकालूंगा अभी मैं, तो ये आपको कुकाबूरा का ब्रांडिंग दिख रहा होगा। ये देखो ये कुकाबूरा का कवर। कुकाबूरा कंपनी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, मैं अपना बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तीन चार लाइनें सुन लेना बस। कुकाबूरा इज एन ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी, जैसे SG हमारी इंडियन कंपनी है वैसे कुकाबूरा ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, स्पेशलाइजिंग इन ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल क्रिकेट एंड फील्ड हॉकी इक्विपमेंट, नेम्ड आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन किंग फिशर। द कंपनी नोटेबली मैन्युफैक्चर्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्रांड्स ऑफ बॉल यूज्ड इन वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट क्रिकेट। जो बैग है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, देखो स्ट्रैप आप ऐसे इसको टांग सकते हो आराम से, या इधर साइड में जगह भी है बैग के, इस बैग के तो उसमें भी रख सकते हो। अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ से नॉर्मली बस ऐसा, और ये हमारा बैट, और ये हमारा बैट रेडी, इसको साइड में रखता हूँ। ये देखो गाइस, पूरा मैं डिटेल में दिखा देता हूँ पास से। ये देखो यहाँ पे ग्रिप है अच्छा पकड़ने के लिए, और यहाँ पे आप देख लो कुकाबूरा की ब्रांडिंग है, लिखा हुआ है कुकाबूरा बिज कुकाबूरा, और इधर पे कहुना लिखा है, मतलब ये उनका कुछ ऐसा लेबल रहता है कि मतलब, क्योंकि ये जो वुड है वुड की भी ग्रेडिंग होती है, तो जो ये मिड रेंज का है एकदम हाई क्वालिटी का भी नहीं है और एकदम लो क्वालिटी का भी आता है, मतलब वुड ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है। ESI 1890 और यहाँ पे कहुना लिखा है, यहाँ पे लोगो, और यहाँ पे कुकाबूरा की ब्रांडिंग मिल जाएगी 1890 वो वाली, और इधर पे मेन चीज़ लिखा है प्रोडिजी 40 कश्मीर विलो। तो ये है, ये अलग अलग आता है, ये आप चेक करके ले सकते हो, ये मिड रेंज का है तो इस पर प्रोडिजी 40 और ये कश्मीर विलो लिखा है, तो इसमें अलग अलग भी आते हैं तो आप वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो। मेरा इतना ही बजट था। यहाँ पे भी देखो कुछ नंबर लिखा है, 72 लिखा है, ये देखो ये मैं देख रहा था, तो ये भी मैच कर लेना, ये सब है ओरिजिनल बैट है, देखो 72 यहाँ लिखा है,
दिख रहा होगा। इसका विड्थ देख सकते हो आप कितना सही है। हमने टेपिंग भी करा ली है इधर, ये दिख रहा होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट कराई है तो इतना दिख के भी नहीं आता। ये देखो टेपिंग करा रखी है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, और ये एडजस्ट, बस ये फुट नहीं लगाया लेदर का, ये थोड़ा सा दिन बाद लगा लेंगे हम लोग, ज़्यादा यूज़ होगा तो, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है तो। काफ़ी अच्छा है और वेट में भी काफ़ी अच्छा है, शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं इससे, और सीज़न बॉल पे अच्छा। हमने देखो कितना सीज़न बॉल से खेला है, देखो कहाँ कहाँ सीज़न बॉल लगा है, रेड रेड मार्क से देखो ये पूरा, तो हम सीज़न बॉल से ही खेल रहे हैं। एक्चुअली हमें इसे बैट बॉल लेना था, प्लान से बैट बॉल लेने का था, लेकिन फिर पूरा किट लेना पड़ा क्योंकि हमने सोचा कि थोड़ा सीज़न बॉल से भी खेलते हैं, तो उसके लिए पूरा किट लेना पड़ा। नॉर्मल बॉल से खेलते तो हम नॉर्मली बैट और बॉल से खेल लेते हैं। आई होप आपने सारी चीज़ें देख ली, मैंने सब बता दिया। ये देखो भाई ये दो बैट में कितना फ़र्क है, दोनों का वेट मैच कर सकते हो। तो ये बचपन में जो पापा ने ला के दी थी और ये खुद की कमाई से खरीदी है, तो खुशी दोनों में ही है। ये दोनों मैंने संभाल के रखा है। अरे एक मेन चीज़ तो रह गई, एक मिनट, ये जो खजाना है इसकी भी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। ये देखो भाई ये रहा SG का हेलमेट, देखो SG की ब्रांडिंग देख सकते हो। ये SG का हेलमेट हमने ले लिया क्योंकि बॉल फेस पे भी लग सकती है तो बहुत इशू हो सकता है, तो मेन सीज़न बॉल के लिए हमने इतना खर्चा किया। अब मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि इस किट में अगर आप किट लोगे, कस्टमाइज तो है लेकिन इस किट में बॉल और हेलमेट नहीं आता, बाकी जो मैंने चीज़ें दिखाई कि एक एल्बो गार्ड, बैटिंग पैड और एक थाई गार्ड और एब्डोमेन गार्ड और बैट, क्रिकेट बैट, ये क्रिकेट किट में मिलता है, बाकी बॉल और हेलमेट अलग से लेना पड़ता है। तो इसकी जो प्राइसिंग है थोड़ा बहुत मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, कमेंट करना कि कितनी हो सकती है। मैंने एक्चुअली घर वालों को भी प्राइस नहीं बताया, आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि घर वालों ने इसका प्राइस पूछा था तो हमने इग्नोर कर दिया था, प्राइस नहीं बताया। तो लेकिन इसमें भी मैं एक रेंज बता देता हूँ, ये पूरा हमको पड़ा है, पूरा ये बैट के साथ, ये अच्छी क्वालिटी बैट के साथ हमें पड़ा है 5000 से लेके 10000 के बीच में, तो आप अंदाज़ा लगा लेना। आप लोग खरीद रहे हो या दुकान में पूछ रहे हो तो वो लोग कितने का दे रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिसका प्राइस मैच होता है मैं उसको उस कमेंट पर रिप्लाई करूँगा कि हाँ भाई कि यही प्राइस है। इसका एक सिनेमैटिक भी बना दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, इंस्टाग्राम पर रील भी आएगा तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना। पहली बार अनबॉक्सिंग भी किया, मैंने अनबॉक्सिंग आज तक की नहीं, तो अगर आपको अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ये क्रिकेट इक्विपमेंट्स बनाती है